कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे जो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। आधा चम्मच जीरा और एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच हम जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट डालेंगे और कुछ सेकंड हम इसे पका लेंगे। इसके बाद इसमें 2 बाउल कटे हुए आलू डालेंगे। यहाँ मैंने बड़े साइज की 2 आलू ली थी, तो आलू को हमें मीडियम फ्लेम पर 2 से 2.5 मिनट फ्राई करते हुए पका लेना है। जब आलू हल्की सी फ्राई हो जाएंगे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला और थोड़ी सी हम लाल मिर्च डाल देंगे। मसाले को हम कुछ सेकंड पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें 3 बड़े साइज के टमाटर डाल देंगे। आप चाहें तो 4 टमाटर भी डाल सकते हैं। 1.5 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। टमाटर को हमें यहाँ सॉफ्ट होने तक पकाना है। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें हम 1 बाउल कटे हुए शिमला मिर्च डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे, फ्लेम को लो रखेंगे, इसे कवर करके पकने देंगे। सब्जी पकने के बाद इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये लीजिए सब्जी हमारी तैयार है।